उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर जारी था, जिसके बाद से ही कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार भाजपा मंत्रिमंडल की बैठक में भावी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई है। बता दें कि वर्तमान में तीरथ सिंह रावत पौड़ी से सांसद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुर्सी छोड़ने के बाद बीजेपी के कई नेताओं का नाम सीएम पद की रेस में माना जा रहा था, जिनमें उत्तराखंड के नए सीएम पद के लिए दावेदारों में अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम शामिल थे। हालांकि इनमें से तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई है, जिसके बाद आज शाम 4 बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सभी आपके सांसदों से मिलने के बाद मुझे लगा कि संगठन और संगठन की ताकत क्या है और उत्तराखंड के इतनी शक्तिशाली टीम बनने का कारण है, ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से मिला है। ये देव पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में आए ऐसा केंद्रीय नेतृत्व हमारे सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने का जिन्हें छत्तीसगढ़ का मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, मगर जिस गरिमा के साथ आपने अपनी बातें रखी कल से लेकर आज तक, मैं आप सबका और आप सबकी भावनाओं को जब भी मुझे जिक्र आएगा मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला और श्रीनगर के अंदर आए तो गजेंद्र नेतानी जी महामंत्री संगठन तो हम संभालते थे, उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी और उन्होंने कहा कि ये आने वाले हैं, आपको कार्यक्रम आप लोगों को लेना है। प्रचार का काम प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात रुके।